हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं क्लास टेंथ के बच्चों को डबल सर्कुलेशन पढ़ा रहा था साइंस में, और तभी हमारे टीम मेंबर्स आकर के हमसे कह रहे हैं कि सर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, सिर्फ CBSE डालिए और देखिए कितनी फेक न्यूज़ इस टाइम पर चल रही है। और जाहिर सी बात है रेगुलर बच्चे तो प्रभावित हो ही रहे हैं, प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी बड़े दुखी हो जाते हैं जब इन तरीके की न्यूज़ देखते हैं कि सर इनका एग्ज़ाम हो रहा है। अभी देखिए हम अपना व्हाट्सअप जब चेक करते हैं, फ्लडेड है, मैसेज भरा हुआ है कि सर इन लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोगों का फॉर्म ही नहीं आया सर, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और तो और रेगुलर बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं वो भी, और जो अलग अलग स्कूलों के हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में या जो हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, वो बच्चे कह रहे हैं सर ये लोग तो कह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे सर, अब ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ लोग तो कह रहे हैं एग्ज़ाम ही नहीं होगा, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो अभी इन लोगों ने दिखाया हमें स्क्रीनशॉट, अभी भी लेकर के हमको दिखा ही रहे हैं। देखिए मिश्रा जी खड़े हैं, कह रहे हैं कि सर देखिए एक ही टॉपिक पे कई सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, और बच्चों आपको भी देखना हो तो जा करके देख लो, CBSE लिखो और उसको सर्च कर लो। और शॉकिंग बिग हैप्पी गुड न्यूज़ ये वो दुनिया भर का, और मतलब दो तीन लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक ही टॉपिक लिया है और उसको कॉपी किया है। खैर रहने दीजिए, बस हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों परेशान मत हो, देखो आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पर होना चाहिए। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये झंझट किसको लेनी है, ये झंझट है बोर्ड का। अब अगर वो ऑफलाइन कराएगी तो आप ऑनलाइन नहीं करा पाओगे, वो ऑनलाइन कराएगी तो आप ऑफलाइन नहीं करा पाओगे, पिछले साल आपने देख ही लिया है। आप अगर इस चक्कर में फंसे रहे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो यकीन मानो ये जो तुम्हारी पढ़ाई है ना ये बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा फोकस होना चाहिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, और पढ़ाई पर भी टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए। बहुत सारे हैं जैसे अनअकैडमी है या और भी कई सारे प्लेटफॉर्म से वो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। मॉक टेस्ट दो, अपने आप की उसको परखो कि कितना हमने तैयारी की है, ढंग से पढ़ाई करो। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो यार, इन लोगों का तो काम ही है। अब तुम मुझे ही कह रहे होगे सर आपने भी वीडियो बना दिया। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे वो बताना था, मैंने बस इतना बात कर ली कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। रोज़ शॉकिंग अपडेट नहीं आता, शॉकिंग अपडेट तो इतना भरा पड़ा है CBSE में कि भगवान कसम अगर चुल्लू भर पानी में डूब मरने की क्षमता होती तो पता नहीं कितने लोग डूब के मर गए होते। हमें जो अपडेट देना है बच्चों आपको, वो ये कि हम क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के, क्लास टेंथ के साइंस और क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, मतलब ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए है जो बहुत वीक हैं, क्लास टेंथ के लिए साइंस और क्लास ट्वेल्थ के लिए बायोलॉजी, बस दो ही, अभी दो शुरू हो रहा है, इसके अलावा भी और सारे सब्जेक्ट में शुरू होगा लेकिन ये दो शुरू हो रहा है। और आने वाले जो टर्म वन का एग्ज़ाम है, जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम आपको मेन टॉपिक्स कवर करा देंगे, और इस तरीके से कवर करा देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें भी अगर आप CBSE के क्लास टेंथ या ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली CBSE ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार दो पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म वन एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ। इस टेस्ट के डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास टेंथ के मैथ और साइंस, क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट CBSE के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतना ही नहीं बच्चों, टॉप 3 विनर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक, और हर सब्जेक्ट के टॉपर को मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप टॉप एजुकेटर से। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म वन एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। क्योंकि ढंग से तुम्हें पता नहीं किसने किस तरीके से पढ़ाया, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कैसे याद होगा वो तो मैं अभी डेमो लेक्चर्स कुछ अपलोड कर दूंगा, और जो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप है, मतलब ऑनलाइन क्रैश कोर्स है, मैं उसको सपोर्ट ग्रुप तो नहीं कहूँगा, ऑनलाइन जो क्रैश कोर्स है उसकी जो फीस होगी इतनी कम होगी कि एक सामान्य सा बच्चा उसको अफोर्ड कर ले जाए। फीस मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जब बच्चे आएँ तो उनको ये लगे कि हाँ हमने कुछ दिया है, तो थोड़ा सा गंभीरता से इसको लें, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैं चाह रहा था बस थोड़ा सा, बहुत नॉमिनल है,
उसको जानने के लिए कितना है ये जानने के लिए मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर है 9628150142। तो अगर आपको भी क्लास 12 की बायोलॉजी या 10th के साइंस का क्रैश कोर्स करना है, जो कि हम बोर्ड एग्ज़ाम के पहले करवा देंगे तैयारी आपकी पूरी, तो इसको संपर्क कर लेना। बस हम कैसे कराएंगे इसके बारे में पूरा प्लान बता देंगे, कैसे कैसे होना है ये सारी बातें आने वाले टाइम में बताएंगे। क्लास 10th और क्लास 12th के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों से कहना चाहूँगा, बच्चों आपका फॉर्म आएगा। कब आएगा ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएगा। लेकिन अब एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो टर्म वन और टर्म टू में नहीं हो पाएंगे। टर्म वन में नहीं होंगे तो मतलब टर्म टू में भी नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि टर्म वन में आधा सिलेबस पूछ लिया गया तो टर्म टू का आधा तो पूछेंगे नहीं। अब आपके लिए स्पेशल एग्ज़ाम करवाएगी CBSE, कब करवाएगी ये उसको डिसाइड करना है। और ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि और कई सारे बोर्ड भी यही प्लानिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में मत रहो, मैं कह रहा हूँ लिख के ले लो, पिछले वीडियोज़ में भी हमने कहा है, या तो CBSE एग्ज़ाम कैंसिल कर देगी, होगी ही नहीं, एग्ज़ाम होगा ही नहीं, और या तो अगर एग्ज़ाम हुआ तो ऑफलाइन होगा। ये जो दो कौड़ी के टीचर हैं, जितने भी CBSE के न्यूज़ दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, इनको CBSE के स्कूलों के बारे में कुछ नहीं पता, और इसीलिए उल्टा सीधा न्यूज़ बता रहे हैं। CBSE के पास रिसोर्सेज होते तो पिछले साल ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा लेती, सभी बच्चे मांग कर रहे थे लेकिन नहीं करवाया उसने। और इन दो कौड़ी के टीचर्स के सहारे रहोगे तो तुम कुछ नहीं पढ़ोगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो तुम्हें एग्ज़ाम तो देना ही है ना। ढंग से पढ़ाई करो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो भी हमसे संपर्क कर सकते हो, ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स लेना है तभी हमसे संपर्क करो। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया होगा, सर हमको ये पढ़ा दीजिए, और ये ली मानो एक बार जब तुम मुझसे पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ाई होती है बच्चों। तो फिलहाल डरो मत यार, तुम मन लगा करके पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो और बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो क्या फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम तो आपका बेकार ही जाएगा। तुम्हारा फॉर्म अभी आए, कभी आए, चाहे जब आए, एक बात जान लो, CBSE के प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट RT और एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चों की एग्ज़ाम तुम्हारा जब भी हो तुम्हारा फुल कोर्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब जो 70% है, 30% तो नहीं आएगा, ये बात कन्फर्म है कि सिर्फ 70% का एग्ज़ाम होगा और उसकी तैयारी तुम्हें पूरी करनी है, उसका कोर्स तुम्हें पूरा करना है, कोर्स प्लान बनाना है, स्टडी प्लान बनाना है। अगर तुम्हें हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है तो भी हमसे संपर्क कर सकते हो इसी नंबर पर, इसीलिए हमने तुमको ये नंबर अपना शेयर करा दिया है। चलो ढेर सारी शुभकामनाएं, डरना मत ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर किसी को ये टॉपिक पढ़ना है ना क्लास 10th में, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, बस 5 मिनट में तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ पूरी जिंदगी तुम कभी नहीं भूलोगे। सो ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।